I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. अगर इस कोट को हम ध्यान से समझे तो इसमें प्रैक्टिस को डिफाइन किया जा रहा है कि प्रैक्टिस का मतलब होता क्या है. जिसने प्रैक्टिस कर रखी है किसी एक काम की बार 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 जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो क्या होता है, तो हम एक स्टेट में चले जाते हैं जिस स्टेट को बोलते हैं द स्टेट ऑफ फ्लो. और स्टेट ऑफ फ्लो में क्या होता है कि वो काम अपने आप होने लग जाता है. एक है आपको सोच करके एक काम को करना होता है तो बीच में एक फिल्टर आ गया. जैसे एक आदमी ने अगर एक किक की प्रैक्टिस 10 बार करी है तो अब अगर उसको उस किक को उसी जगह पे मारना है सामने वाले को, ओपोनेंट को, जिस जगह पे वो मारना चाहता है, मान लो नेक के यहां पर, तो उसको पहले सोचना पड़ेगा, वहां पर बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो शायद हिट कर पाएगा. लेकिन अगर 10,000 बार उसने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है या 1,000 बार प्रैक्टिस कर रखी है एग्जैक्ट उसी की, तो अब उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. या ये कह लो ये जो दिमाग लगाने का काम है ये इतनी तेजी से हो जाएगा कि पता भी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि दिमाग लगा ही नहीं है. वो गैप बीच में से हट गया, यानी वो काम बहुत ही स्पीड से हो जाएगा. और स्पीड का ही सारा खेल होता है कि कौन सा काम कितनी स्पीड से हो रहा है, स्पेशली लड़ाई में जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का डिफरेंस होता है कि जिस आदमी ने 10 बार प्रैक्टिस करी है, मान लो उसको वो किक सही जगह तक पहुंचाने में 1 सेकंड लगेगा, और जो दूसरा आदमी है उसको 0.5 सेकंड लगेगा. लेकिन ये 0.5 सेकंड का जो डिफरेंस आएगा वो इतना बड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है, कि सामने वाले को 0.5 टाइम मिलेगा अपने आप को बचाने का, अपने आप को डिफेंड करने का. तो प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रैक्टिस से आप एक फ्लो की स्टेट में चले जाते हो. फ्लो की स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो काम अपने आप होने लग जाता है, बिना किसी एफर्ट के, बिना दिमाग लगाए वो काम अपने आप ही होने लग जाता है. जैसे कोई सिंगर है, उसने गाने को 1,000 बार गा लिया है, अब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, तो अब उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो गाना अपने आप उसके अंदर से निकलने लग जाएगा. तो यहां पे एक्चुअल में प्रैक्टिस को डिफाइन किया जा रहा है, व्हाट इज प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस जब भी हम लाइफ में करते हैं उसमें फोकस का बहुत बड़ा रोल है, नहीं तो वो प्रैक्टिस बेकार है. पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे फोकस कहां करना है, और फिर जो भी उससे रिलेटेड नहीं है उसको मना करना होगा, उसको हटाना होगा. फिर जहां पर आपका फोकस है वहां पर रेपिटेशन चाहिए, बार 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 उसको रिपीट करना होगा. इनफैक्ट रिपीट हो ही जाएगा ना, जब आप कुछ और कर ही नहीं रहे हो और वही एक काम कर रहे हो, आपके पूरा माइंड बॉडी एक ही काम में लग रहा है, तो अपने आप ही आप उसमें मास्टर होते चले जाओगे. इनफैक्ट एक कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. ये सही नहीं है. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ओनली इन द राइट डायरेक्शन मेक्स द मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस तो दूसरा आदमी भी कर रहा है, 10,000 किक की प्रैक्टिस उसने करी है एक एक बार, तो प्रैक्टिस तो उसने भी करी है. और दूसरी तरफ से एक आदमी है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करी है, तो प्रैक्टिस से परफेक्शन नहीं मिलता है. प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ फोकस इन द राइट डायरेक्शन makes the man perfect.